नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल में। मैं अमरीश राज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं बिहार की बाढ़ और प्रखंड स्तर की एक नई बहाली के बारे में। दोस्तों बिहार में जो बाढ़ और प्रखंड स्तर पे एक नई वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ रही है विकास मित्र के पदों पे। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो सिर्फ अगर आप 8वीं 10वीं पास हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और इसका जो आवेदन प्रक्रिया है वो भी आप लोग यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। अब किस तरीके से आप लोग यहाँ पे आवेदन होने वाला है, किस तरीके से विकास मित्र के पद पर नई बहाली निकाली गई है, इसके बारे में आप लोग यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को जितना शेयर कीजिए ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। चले शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो इस बहाली के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अपने गूगल में लिखना है YTDC। आप यहाँ पे जो YTDC देख रहे हैं ये आपको अपने गूगल में लिखना है। सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पे चले आना है। फिर यहाँ पे ऊपर में ही आप लोग को सर्च का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे जो है आप लोग को विकास मित्र लिखकर यहाँ पे जो है सर्च करना है, या फिर आप जो है सिर्फ यहाँ पे विकास लिखकर भी सर्च कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे जो है पोस्ट ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको इंतजार करना है। यहाँ पे जो है आप लोग का सारा जो है विकास मित्र का जो बहाली है वो आप लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल जो है आप लोग का एक जिले में यहाँ पे बहाली आया हुआ है तो इस पे आप लोग को जो है क्लिक करना है, जो कि 13 अप्रैल का एक पोस्ट है इस पे आप लोग को जो है क्लिक करना है। इस पोस्ट का जो डायरेक्ट लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से क्लिक करके आप डायरेक्टली जो है इस पोस्ट पे आ सकते हैं। फिर आपको नीचे करना है, यहाँ पे दिखाऊंगे अलग अलग जो आप लोग का जगहों पर बहाली है वो आया हुआ है, आपको सबसे नीचे आना है। सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पे देख पाऊंगे कि आप लोग का इंपॉर्टेंट लिंक्स का ऑप्शन है, फॉर फॉर्म डाउनलोड का ऑप्शन है और चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आपको क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से आप लोग का जो ऑफिशियल नोटिस है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे जो नोटिस है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। अभी जो यहाँ पे फिलहाल आप लोग का बहाली आया हुआ है वो कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी हिलसा के तरफ से जो है आप लोग का ये नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है, जिसमें कि यहाँ पे जो विकास मित्र का जो पद है वो यहाँ पे खाली है, इसमें आप लोग को यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। यहाँ पे बताया दोस्तों कि संबंधित प्रखंड नगर निकाय में आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु समय सीमा यहाँ पे बताया गया, यानी कब से कब तक आप लोग का आवेदन होने वाला है वो आप लोग का बताया गया। तो 20/4/2023 से लेकर जो है 10/5/2023 तक आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 10 तारीख तक आप लोग यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। उसके बाद यहाँ पे मेधा सूची के बारे में जानकारी दिया गया कि मेधा सूची कब से कब तक यहाँ पे जो जारी किया जाएगा, कब तक आप लोग आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, कब तक आप लोग का चयन सूची यहाँ पे जारी किया जाएगा, तो सारा कुछ यहाँ पे बताया गया। आप चाहे तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नीचे आइएगा तो यहाँ पे बताया गया कि विकास मित्र का चयन महादलित समुदाय से ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्त पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में रिक्त वार्ड समूह क्लस्टर पर एक विकास मित्र का चयन किया जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि हर पंचायत में जो है आप लोग का सिलेक्शन किया जाता है और हर जो आप लोग बाढ़ होता है उसमें आप लोग यहाँ पे जो बहाली है वहां पे किया जाता है विकास मित्र के पद पे। यहाँ पे बताया गया कि विकास मित्र का नियोजन अनुबंध के आधार पर किया जाएगा। पंचायत वार्ड समूह क्लस्टर शहरी में जिस महादलित जाति की जनसंख्या की बहुलता होगी उसी जाति के विकास मित्र का चयन किया जाएगा। यानी मान लीजिए आप जिस पंचायत में रहते हैं उसमें जिस जाति का यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग रहते हैं उनका यहाँ पे जो बहाली है वो आप लोग यहाँ पे किया जाने वाला है। फिर दोस्तों नीचे आप लोग यहाँ पे जानकारी दिया गया कि चयन हेतु अहर्ता, तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया कि क्या क्या आप लोग का होना चाहिए जिससे कि आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि आवेदक पूर्व से निर्धारित महादलित परिवारों की जाति बहुलता वाले होंगे, यानी यहाँ पे जिस जाति का आप लोग का बहुलता है वही जाति के आप होने चाहिए तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। जिस पंचायत वार्ड क्लस्टर शहरी में आप जो विकास मित्र का चयन किया जाना है वहीं के आप निवासी होने चाहिए तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आवेदक का न्यूनतम जो आप लोग का शैक्षणिक योग्यता है वो मैट्रिक या फिर समकक्ष होना चाहिए तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो ये सब जो है आप लोग यहाँ पे जानकारी दिया गया, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, पूरा आप लोग का जो डिटेल है वो यहाँ पे दिया गया है। नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे जो है आप लोग का जानकारी दिया गया कि मानदेय जो है आप लोग का प्रत्येक विकास मित्र को सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय भुगतान होगा, तो इस तरीके से यहाँ पे जानकारी दिया गया। नीचे बताया गया कि कौन कौन सा आप लोग का प्रखंड है और कौन सा आप लोग का वार्ड है जिसमें कि बहाली आया हुआ है और किस जाति का आप लोग का बहाली है वो भी आप लोग यहाँ पे बताया गया है। तो मान लीजिए कि इस्लामपुर से अगर आप आते हैं तो यहाँ पे जो है नगर परिषद वार्ड नंबर 14 में जो है आप लोग का बहाली है और इसमें जो जाति बहुलता रखा गया है वो पासी रखा गया है। अगर आप पासी जाति से आते हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो है आप लोग का ऑफलाइन होता है, आप ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अगर जो है सिर्फ एक ही जिले का आप लोग का बहाली आया हुआ है तो अलग अलग जिले का कब बहाली आएगा या फिर हमारा जिला का कब बहाली आएगा, हमारे पंचायत का कब बहाली आएगा, तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे जो आप लोगों ने सर्च किया था विकास मित्र उसी में जो है आप लोग का अलग अलग जिला का जो है अलग अलग समय पे बहाली आता रहता है और यहाँ पे आप लोग का जो पोस्ट है वो देखने को मिल जाएगा। देख लीजिए कि 25 मार्च को जो यहाँ पे एक पोस्ट आप लोग का किया गया है, इस पे आप क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरीके से ओपन होगा। ये जो है एक अलग जिला का आप लोग का बहाली है, इस तरीके से अलग अलग जिला का जो है अलग अलग समय पे आप लोग का बहाली आता है। यहाँ
यहाँ पे देख लीजिए 4 मार्च को एक पोस्ट यहाँ पे किया गया है, ये जो है एक अलग जिला में आप लोग यहाँ पे बहाली आया हुआ है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप लोग का जो यहाँ पे बहाली है वो अलग अलग समय पे अलग अलग जिलों में आता है। आप जिस भी जिले से हैं आप जो समय समय पे इसको चेक करते रहिएगा, आप लोग यहाँ पे जो बहाली है वो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे जो विकास मित्र की बहाली आती है और आप लोग का विकास मित्र का बहाली होता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, साथ ही साथ इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं इसमें, तब के लिए धन्यवाद।